अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पानी पी रहा है। पीने देना, क्लास भी हमारा है तो मैं क्या करूं? उसे रोको,
तुम्हारे बाबा जाग जाएंगे, तू खेलना। The cat caught the rat. The rat was caught by the cat. To make the active voice into the passive voice, put the object in the place of subject and subject into the place of the object. But the position of the verb? Kanu, kya ho raha hai class? Naak kyun chal rahi hai tere? Kya sung raha hai? Ji, class mein koi khel raha hai. Copy pass ho rahi hai. कौन है? कौन शरारत कर रहा है क्लास में? सच सच बोल दो, कोई सजा नहीं मिलेगी, जल्दी करो। क्या कर रहे थे? जी मैं मॉनिटर का कार्टून बना रहा था। क्यों? ये कानू की शक्ल है। खड़े हो जाओ बेंच पर। लेकिन सर आपने तो कहा था सच बोलने पर सजा नहीं मिलेगी। सजा झूठ बोलने पर मिल रही है। ये कार्टून तुम कानू का नहीं मेरा बना रहे थे। ये नीचे क्या लिखा? सर अगर मैं नहीं बोलता तो? ये क्या लिखा है नीचे? शित्तर मुर्ग। Shut up! मैं क्या जानता नहीं तुम लोग क्या बुलाते हो मुझे? शत्रुमुख अंडादे, 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 शत्रुमुख अंडादे। क्या मंत्र पढ़ रहा है तू? क्या पढ़ रहा था? कोई जादू टोना कर रहा है? नहीं मुझे कोई जादू नहीं आता। तो फिर क्या पढ़ रहा था? शत्रुमुख अंडा दे? वो तो हमारी टीचर का नाम है। शत्रुमुख? हाँ क्लास ने उन्हें नाम दिया था। शत्रुमुख? हाँ तेरा टीचर है? हाँ अंडा देता है? नहीं शत्रुमुख अंडा देता है, टीचर नहीं। कहाँ जा रहा है? अमरेली। किसके पास? माँ के पास। दिल्ली में कहाँ रहता है? दीदी के साथ। टिकट है? हाँ है। ला दिखला। आपके टिकट चेकर थोड़ी है। मैं कहता हूँ दिखला। अरे ये तो बस का टिकट है, ट्रेन का टिकट कहाँ है? पैसे नहीं थे। रास्ते में कोई टिकट चेकर आ गया तो? आपके दीजिएगा ना, मैं आपका बेटा हूँ। अब बोल भी दीजिए ना, इसमें हर्जी क्या है? तुम ही बोल दो ना, मेरे तो दो दो हैं। अरे वाह ये खूब रही, टिकट वाले आपके और बगैर टिकट वाला मेरा। हाँ। क्यों बे घर से भाग कर आ रहा है क्या? नहीं तो फिर झूठ बोला। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया ब्लैक बोर्ड पर। फिर ये चिट्ठी क्यों आई स्कूल से? मुझे क्या पता, बेशक पप्पू से पूछ लो। मैं जब गया तो पहले से ही क्लास में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था बोल। वो हमारे हिंदी के टीचर है ना, वो शंकरलाल, वो नई शादी कर आए थे, इसलिए क्या? इसलिए किसी ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। क्या लिखा? क्या लिखा?
ये किस बदतमीज की हरकत है? जवाब दो, किस बदतमीज ने ये लिखा है? नहीं बोलोगे? मैं अच्छी तरह बुलवाना जानता हूं। ठीक है। क्यों बे कानू, अब बोलना, डरता भी हमसे? भिम्मर से तो जान निकलती है इसकी, हमारा नाम बहुत जल्दी ले लेता है। भिम्मर का नाम तो लेके दिखा है। क्या कहा? जरा बोल के देखे, कोई चीर के रख दूंगा। सिट डाउन। वो देखिए सर, ठीक, किसने लिखा है? Who is the monitor? Yes sir. किसने लिखा है? पता नहीं सर, पहले से लिखा हुआ था, मैं मिटाने लगा तो सब मिलकर धमकी देने लगे। क्या कहा? बोल रहे थे रिसर्च में मारेंगे। किसने कहा ये? बहुत से थे सर। कौन कौन थे? सब तो पता नहीं, लेकिन बाबला और पप्पू थे। बाबला पप्पू खड़े हो जाओ। ये झूठ कहता है सर, हमने नहीं लिखा। तुमने मिटाने से मना किया था? सभी ने तो किया था सर। तुमने भी? यस सर। गुड, अच्छा है, सच तो बोला। इधर आओ सर। जाकर पहली लाइन मिटाओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जाकर पहली लाइन मिटाओ। पप्पू। यस सर। तुम जाकर दूसरी लाइन मिटाओ। सर मैंने नहीं लिखा सर। तुम जाकर दूसरी लाइन मिटाओ। गुड, नाउ बैक टू योर सीट्स। फिर कभी ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, पूरी क्लास को सजा मिलेगी। सलाम। चलिए पंडित जी। पंडित जी। जी मैं समझता हूँ ज्यादा सजा देना ठीक नहीं। हाँ। आजकल के रूल्स ही ऐसे हो गए हैं। अच्छा ये होगा कि आप इनके माँ बाप को खबर कर दीजिए। आप समझते हैं कि इनके माँ बाप कुछ कहेंगे? ना कहें। ये माँ बाप की सुनेंगे? ओहो ना सुने, पर आप कर भी कह सकते हैं। गधों को मार मार के खोड़ा तो बना नहीं सकते। तो क्या बनाएंगे? एक काम कीजिए, आप एक चिट्ठी भेज दीजिए, बाकी जिनके औलाद है वो जाने। ठीक है। और सुनाइए, स्वागत कैसी कटी? क्या आप भी? लड़का काफी रसिक लगता है। हाँ बस हंस के टाल दो, तुम्हारे लिए तो हो गया। अरे भाई गलत तो नहीं पूछा उसने? उसने नहीं पूछा। जिसने भी पूछा, सुहाग रात तो सबकी होती है ना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो पूछना चाहिए कि मजा आया। डोंट बी स्टुपिड। वो साले साहब हैं कहाँ? अपने कमरे में। क्या हो रहा साले साहब? बैठो 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 बैठो, पढ़ाई या लिखाई? तुम्हारे स्कूल से फिर एक चिट्ठी आई है, टीचर ने बहुत तारीफ की है तुम्हारी हैंड राइटिंग की। सुना है ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छा लिखते हैं आप। ये दूसरी बार है ना? जन्म से बंजारा हूं बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर न घाट न अंगनारा। ये कविता गाना है ना किसी फिल्म का? अगर कहीं ये कॉपी तुम्हारी दीदी के हाथ लग गई तो मालूम है वो क्या हाल करेगी तुम्हारा? हुँ?
सूरत से तो दोनों भाई बहन ऐसे भोले हो कि पूछो नहीं। क्या कर रहे हैं हजरत, जरा मैं भी तो देखूं। क्या खिटपिट लगा रखी, आराम से सो जा। ये चॉकलेट। चॉकलेट तो मुझे क्या दिखला रहा, खा जा। ये ऊपर से गिरी है। ऊपर से गिरी है तो मुन्नी की होगी, ला दे, तू सो जा। ए लड़के दरवाजा खोल। हाँ। ए कहाँ जा रहा, सो जा, इधर जगह नहीं। अच्छा भाई साहब जरा। चलो 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 अंदर चलो। ए साहब क्या पर पैसा कैसे हुए, पर हटाइए ना। कहाँ हटाऊं, सीट पर ही तो रखा है। नीचे रखिए। नीचे क्यों रखूं, मैंने टिकट नहीं लिया क्या? मैंने टिकट नहीं लिया क्या? भाई साहब लोटे को उठाकर रख दो मटके पर, अपने आप उठ जाएगा। चुप बे, बिना टिकट हंसता है। दांत दिखलाएगा तो टीसी को पकड़ा दूंगा। आपके भी दांत वही उतार कर ले गया क्या? आपसे किसने पूछा, आपका टिकट कहाँ है? ये रहा। ई की जानी कोन अशुभ देश से लोग गुलो चले आसे। की बोललन अपनी, अमर बांग्लादेश के अशुभ बोललन। अपनी बांगाली की सौभाग्य अमर। जा रे बाबा बांचा गया। अरे कर कर आ तो कुन बाम थाना भाषा बोलते बोलते चुआड़ा के बारे बैठ रे कुछ मुझे। हे ई बार कथा कहे अमर। हां दाम साहब कुदा ढाका हो आप। मैं बेशियाल दे था कि आपनी छियाल ना है। अरे आम ही तो छियाल ना थाके। आपनी कुदा थाके ओई प्राची सिनेमार काछे। ओ अच्छा, जरा बसरी को चुप कराओ तो। आपने तो नाम दिया था बड़े प्यार से। ठीक है ठीक है ठीक है। अपना श्री अवाली। अपनी अवाली भी कर दे। खूब भगवान पुरुष हो गए। ये सुंदरी वो यार क्या क्यों बन रहा है। अच्छा हां सब ठीक है। आगे है आगे है। हां ना ना कीजिए बोले। हां वो हमारी आगे आगे ना बात करे आगे।
अरे माँ, तुम फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाती? तू जाग रहा है अभी? इतना अच्छा गाना सुन के कोई सोता है? तो फिर क्या फायदा तुझे लोरी सुना के? तू शहर चला जा, वहीं रहना अपनी दीदी के पास। अच्छी स्कूल में जाएगा, अच्छी तरह पढ़ेगा लिखेगा। यहाँ मेरे पास यूं ही जिंदगी गवा रहा है बेटे। मेरे बिना तुम्हारा जी लग जाएगा माँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? खुद ही कहती हो कि तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। तुम झूठ कह रही हो ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी होगा तो मुझे दुख होगा क्या? पढ़ने लिखने से कभी आदमी बड़ा होता है? तो और कैसे होता है? वो तो थोड़े साल के बाद आदमी बड़ा हो जाता है। चल, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं माँ। क्यों? पहले कहती थी कि बच्चे दूध पीने से बड़े होते हैं, अब कहती हूँ कि बच्चे पढ़ने लिखने से बड़े होते हैं, और फिर कुछ और कह दिया तो? चल हट, खुद सोता होता नहीं, उल्टा मुझे जगा रखा है। चल जा, अपने बिस्तर पे चला जा। टिकट? ए भाई साहब, टिकट दिखाइए। टिकट? इतनी रात का टिकट? जाते तो घूमते हो देगा ना। टिकट जालिया मार ले सब। हाँ लीजिए। ये लड़का आपका है? जी नहीं, मेरा नहीं, मेरे तो ये दोनों। आपका है? जी नहीं। ए लड़के, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। टिकट कहाँ है? टिकट है तेरे पास? नहीं है। पैसे हैं? नहीं है। कहाँ जाना है? माँ के पास। माँ कहाँ रहती है? अमरेली। ऐसे ही जाएगा बिना टिकट के? वाह बेटा, माँ ने गाड़ी भेजी थी लाने के लिए। चलो उठ, खड़ा हो जा। चल नीचे चल। उठ उठ। अरे राम सिंह। हाँ बाबूजी। थाम ले इनू। बाबूजी एक और मिल गया क्या? अरे अब की तो अद्धा ही मिला है। अद्धा? चल बे। राम सिंह। हाँ बाबूजी। सेवन डाउन में तो बड़े बड़े बकरे मिला करें। अरे बाबूजी उसके बगैर तो हम खुद ही डाउन रहा करे हैं। अरे वो अद्धा कहाँ को निकल गया भाई? वो भाग के चल गया। अबे तो तू तू कहाँ को भाग गया मेरे यार? हैं? तू कहाँ को भाग रहा था? जाने देना यार। हाँ? सारी गाड़ी ने तो टिकट लिया है, एक मैं नहीं लूंगा तो तेरा कौन सा कोयला ज्यादा जल जाएगा? अरे तो अब की बार घर से कोयला साथ लेकर चलियो। चल बड़ा आया। गन्नों का गांव आया लगता है। अच्छा। Thank you.
लगे। जय दिन तेरे बिना रात लगे। छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। सिगरेट के बगैर सोचने का मजा नहीं आता। कुछ सोचा? अभी नहीं। हम अखा गुटली मार दी, अगर चले जाते तो क्या होता? होमवर्क जो नहीं किया था। लेकिन मैंने तो किया था, जल्दी से मुझसे कॉपी कर लेता। पहले ही पीरियड था ना, रेसेस के बाद होता तो कर लेता। लेकिन अब कल क्या करेगा? कह दूंगा रास्ते में आते तो उल्टी आ गई थी, इसलिए वापस घर चला गया। और अगर चिट्ठी मांगी तो? मम्मी की हैंडराइटिंग तो कॉपी कर लेता हूँ, लिख कर ले जाऊंगा। लेकिन मेरी दीदी की तो हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि कॉपी ही नहीं कर सकता। शत्रुमुख का होमवर्क करो तो भी पढ़ती है, और ना करो तो भी। नहीं करो तो 3 डंडे, और करो तो 1 गलती पर 1। 3 से ज्यादा गलती निकली तो मैं तो चांस ही नहीं लेता। एक पैकेट भैया का मार के रख लेंगे, वो फिल्टर पीते हैं, उसमें खांसी हंसी नहीं आती। लेकिन एक बात बता, तेरे पिताजी मना नहीं करते तेरे भैया को? करते हैं, एक दिन तो मारने भी लगे थे। और तेरे भैया तुझे मना करते हैं? हाँ। तो फिर सही कौन है और गलत कौन है? किसे पीना चाहिए और किसे नहीं? सब पैसे का चक्कर है दोस्त, जो कमाता है वो सब करता है। चलो चलो।
इसलिए तो मेरी दीदी भी नौकरी नहीं छोड़ती, वरना मेरे जीजा जी की धौंस सुननी पड़ेगी। मेरे पापा तो कमाते हैं, फिर भी मेरी माँ की धौंस सुनते हैं। क्यों? पता नहीं यार, ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, मेरी समझ में नहीं आता। कहीं टांगा भी उलट जाता तो? टांगा नहीं, बग्गी है, बग्गी। वो अपने मीर साहब है ना, उनकी है। कहीं मीर साहब भी होते तो बग्गी में खा जाते कलाबाजी। यार बेचारा गिर गया है, मर गया होगा। अरे नहीं मरते। अरे मैं बोलता ना गिर गया होगा। अरे नहीं यार, गिरते तो नहीं मरते। अरे गिर जाए तो मर जाए। खड़ा हो जाते हैं यार गिरते हैं तो। अरे गिर जाए तो मर जाए, मैंने देखा था ना। अरे देख देख कभी खड़ा हो जाएगा, देख देख कभी उठेगा, होश आया है। अरे ऐसा कैसे खड़ा होगा, मर गया तो कैसे खड़ा होगा? नहीं यार गिर जाता है खड़ा हो जाता है, मरता थोड़ी वो। कब आप में हड्डी आ गई भाई साहब, जरा बाजू हट। देख अभी खड़ा हो जाएगा देख। अरे नहीं होता यार। अरे नहीं मरते यार, देखा देखा खड़ा हो गया ना, तुझको पहले ही बोला वो ऐसा गिरते हैं तो मरते नहीं है। चल अब मैंने चल। बग्गी पप्पू, बग्गी मजा आ गया। मजा आ गया। तेरी माँ कैसी है? बचपन में तो बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती है, लेकिन उतना नहीं पागल की तरह जैसे पहले करती थी। तूने तेरी माँ का दूध पिया है? हाँ माँ तो कहती है कि पियाऊं। उसमें चीनी होती है? वो तो मुझे याद नहीं। मेरी माँ छोटे भैया को पिलाती है, एक दिन मैंने मांगा तो मार के भगा दिया। एक दिन कुसुम ने भी मुझे पिलाया था लेकिन उसका निकला ही नहीं। कुसुम कौन? वही हमारे घर में एक औरत काम करती है। वो मदारी वाला। हाँ चल चल क्या मदारी वाला, चल 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 बाबू ये सांप को छोड़ दो। छोड़ दे। तुम्हारा नाम क्या है? बंगाली बाबू है। ये बड़ा होशियार है। हम बहुत होशियार है। ये बड़ा चालाक है। हम भी चालाक है। ये बड़ा तैयार है। हम भी तैयार है। ये बड़ा बदमाश है। तुम हरामी है। वो हम तो सांप को बोला है। हमने तुमको बोला। बोलो जादू वाला। ये जादू वाला। हम झाड़ू वाला है। हम जादू वाला है। बोलो खेल वाला। ये केले वाला। हम केले वाला है। हमने भूल गए। बोलेगा बोलेगा। ऊपर क्या है? भगवान है। नीचे क्या है? जमीन है। ईमान का बाप बोलेगा। तुम कौन है? हम तुम्हारा बाप है। अच्छा साले। अच्छा बेटे। हम तेरा बेटा है। हम तेरा साला है। हाँ देखिए साहब, ये बड़े भाई है मेरे, एक काम आपको बतलाएंगे। खड़े हो जाए बड़े भाई। किसी बाबू जी के पास एक रुपया होगा तो इनको दे देना। एक रुपये का नोट किसी भाई के पास होगा तो मुझे दे देना। तो भाई के पास एक रुपये का नोट है तो मुझे दे देना। और उसका लंबा देख लो। और ये देखो ये रुपया है। ये रुपया मेरा नहीं, ये आप लोग का रुपया है। अब ये रुपये को मैं खाता हूँ। अंदर रुपया ईट ओके। हम खाएगा हमारा मुँह कर। चलो खाओ, तुम जल्दी आओ। बिस्मिल्लाह खाओ। Thank you.
बंगाली बोले क्यों तावा कोतो बोले होलो ओ हाँ सिंचाई करते ओ कम ऑन राइट करी के कम ऑन राइट अल्लाह तुम पर एक 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 आ हक आई के ये एक लोटा पानी है इसी का नाम है पानी हिंदुस्तान बोलेगा पानी इंग्लिश बोलेगा वाटर बंगाली बोलेगा जल मद्रास बोलेगा पानी ये पानी को हम फेंक देगा और चाचा 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 देखो जमीन में पानी फेंका लोटा बिल्कुल कमती हो गया बहुत पानी है पानी का कम सब पानी फेंक देगा लोटा खाली करेगा चला चल और आप लोग बोलेगा फिर इसी के अंदर कोई जबर पड़ता मारेगा इसी के अंदर कोई आवाज करता लोटा आवाज करता लोटे के अंदर कुछ खाली होता है एन किसी के अंदर कुछ आवाज होता इसी का हाथ छोड़ लिया मार खोल पानी का नाम है अब पानी नहीं खा लिए तुम हाँ ए चाल खा देखो कैसा आता है हाँ वो मारेगा वो पानी आ जाएगा ओ ओ ओ कमान चाल ओ चल तो कमान चल 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 राइट क्लिक अब राइट फुल चाल बहुत पानी आ गया सरकार बहुत पानी आता है और देखिए साहब पानी बहुत आ गया पानी का ना बहुत प्लेनली वाटर प्लेस बहुत पानी आता है ख्याल करो हाँ ये पानी जुम्मन क्या कमाल का मजा रही है दो चार जादू हमें भी सिखा दे तो मजा आ जाए उसके साथ जमूरा हो जाना चाहिए ले बेटे दूध पी ले तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले बदलता हूँ ना चलो तो मैं धो दूंगी बदलता हूँ ना छटाक भर का लड़का है और शर्माता है मर्दों की तरह देखती नहीं मैं होमवर्क कर रहा हूँ तुझे पढ़ता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है एक दिन तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा सब पढ़ाने के चक्कर में मस्का मारते हैं माँ भी यही करती थी रविंद्रनाथ टैगोर तो कभी स्कूल गए भी नहीं फिर कैसे इतने बड़े आदमी बन गए जुम्मन क्या स्कूल गया था क्या कमाल का जादू दिखाता है बबलू कब आया स्कूल से थोड़ी देर हुई क्या कर रहा था होमवर्क गुड That's like a good boy. ये आप नया रिकॉर्ड लाए? हाँ. जानते हुए कौन है? नहीं. पंडित रविशंकर. सितार बजाते हैं. वर्ल्ड के बेस्ट सितारिस्ट. जीजा जी, बड़ा होकर मैं भी सितार बजा सकता हूँ? बड़े होकर क्यों? अभी से सीख सकते हो? बड़े होकर तो कमाल बजाओगे. लेकिन मैं ये सीखूंगा कैसे? घर पे टीचर रख देंगे. फिर तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ना? स्कूल जाना पड़ेगा. पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा सितार बजाने के लिए इन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा होगा बदमाश कहीं के चाय बनाओ बाबूजी हाँ लाओ चलो बेटे तुम भी कपड़े बदल लो आओ ये तुम्हारी तस्वीर है लक्सोव की हाँ मॉडलिंग करने लगी हो हाँ किससे पूछ के फोटो खिंचवाने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा फोटो खिंचवाने और मॉडलिंग करने का एक ही बात है क्या फर्क है कुछ नहीं शक्ल सूरत होती तो कल फिल्मों में काम करने लगती तो इसमें क्या बुराई है जीजा जी अकेले हो तो कितना प्यार करते हैं दोनों हो तो डर ही सा लगा रहता है हाँ होमवर्क कर लिया हाँ ट्रांसलेशन था वो कर लिया ज्योग्राफी कर ली तेरी ज्योग्राफी बहुत वीक है वो कर लेना हुँ? अच्छा
टेक योर सीट्स। पप्पू। यस सर। इधर आओ। कल कहाँ थे? सर, सर रास्ते में आते तो तबीयत खराब हो गई थी सर, उल्टी आ गई थी, इसलिए वापस घर चला गया। सबूत? माँ की चिट्ठी लाया हूँ सर। और होमवर्क? सर कॉपी भीग गई थी सर, इसलिए बाहर सुखाने रखी थी, तो नौकर ने रद्दी में भेज दी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारे नौकर का? सर वो तो नौकरी छोड़ के चला भी गया, सोचा होगा मैं डांटूंगा। बहुत समझदार हो, रिसेस में होमवर्क पूरा करके दिखाओ। लेकिन सर रिसेस के बाद तो आपका पीरियड ही नहीं है। टीचर्स रूम में आके दिखाओ। यस सर। गो बैक टू योर सीट। बाबला। यस सर। अच्छी, देखा सर अभी तक तबीयत खराब है। सिट डाउन। बाबला इधर आओ। यस सर। कल कहाँ थे? सर स्कूल में आते थे तबीयत खराब हो गई थी। उल्टी आई थी? नहीं सर, पेट में दर्द हो गया था। चिट्ठी लाए? नहीं सर, दीदी की हैंडराइटिंग है ना। नहीं सर, दीदी के हाथ पर चोट लग गई थी ना। नहीं सर, मैंने उनसे कहा ही नहीं, भूल हो गई, अब कभी नहीं करूंगा। और होमवर्क? अब कभी नहीं करूंगा सर। नहीं सर, होमवर्क तो किया है। जाओ बैठ जाओ। गुड, वेरी गुड। हु इज दैट? ए यू पहलवान। मी सर। यस यू, स्टैंड अप। भी अच्छा नहीं लगता, नहीं स्कूल अच्छा लगता है और नहीं घर। पहले पहले जब आया था ना तो दोनों अच्छे लगते थे, स्कूल भी और घर भी। अब पता है क्या लगते हैं? लगता है अब दोनों को भी मेरी जरूरत नहीं। तो तू ऐसा करना, गांव चला जा माँ के पास। अब माँ को भी मेरी जरूरत नहीं, वापस भेज देती है। पता नहीं कब बड़े होंगे। बड़े होकर क्या होगा? बड़ों की सबको जरूरत होती है और बड़ों को किसी की भी नहीं। हाँ, जैसे हमें उनकी जरूरत है और उन्हें हमारी नहीं। ये दुनिया हमारी मुश्किल नहीं समझती, कभी कभी तो जी चाहता है कि भाग जाऊं। कहाँ जाएगा तू? चलेगा? हाँ चलूंगा। तो फिर चल किसी पहाड़ पर चलते हैं, मुझे पहाड़ देखने का बहुत शौक है। ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, एक काम करते हैं, आज से हम हमारी पॉकेट मनी जमा करते हैं और एक जोड़ी कैनवास शूज खरीद लेंगे, वो पहाड़ पे चढ़ने में बहुत काम आते हैं। हाँ, और एक चाकू भी ले लेंगे, बहुत काम आएगा। क्या काम आता है तू बता? तू बता ना। पहाड़ पर फल तो बहुत होते हैं, खूब काट काट कर खाएंगे। ठीक है, एक गुलेल भी बना लेते हैं। वाह मजा आ गया। चल चल। मुझे सिखाएगा क्या बेटे? जलेबी बनाना? हाँ। अरे तू पहले खाना सीख बेटे, वही बहुत। अच्छे घर के लड़के हो, हलवाई बन के क्या करोगे? क्या हलवाई अच्छे घर के नहीं होते? तुम पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ बेटे, ये हम छोटे लोगों के काम है। क्या छोटे लोग हैं? ए तू जाता है कि नहीं? तुझे जलेबी खानी है कि मेरा भेजा खाना है, है? देखा पप्पू, पढ़ाई के बिना जितना काम है खुद करते हैं,
और पढ़ाई के लिए हमें आगे कर देते हैं। क्या आदमी है? ए जमुरा, ए जमुरा, जमुरा ना, मेरा नाम अनुवर है। अरे अनुवर, तुम अपने बाप से बहुत जादू सिखाओगे, एक दो हमें भी सिखा देना। और थोड़ी सिखाता है, ये जलेबी लेगा? लाला जी ने मिला, ये ले। बोलो कौन सा जादू सीखेगा? ये जलेबी है, डबल कर देना। नहीं नहीं, स्कूल से छुट्टी पाने की तरकीब सिखा दे, जब जी चाहे स्कूल की छुट्टी हो जाए। अच्छा, तेरे पास वो अंगूठी है जिसे जब पहनो गायब, तुम सबको देख सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता। वो तो अंगूठी है, वो तो टोपी है। तो वो टोपी दे देना। बाबर जिले में वो थोड़ी मिलता है, 1000 रुपए खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, तो फिर कोई छोटा सा ही जादू सिखा दे, एक दोनों जलेबी के बराबर। ले बेटे केले खाएगा। अरे ये जलेबी किसने दी? ये तुम्हारे दोस्त है? मैंने दी, मैंने दी, अनवर मेरा दोस्त है। आप हमें जादू सिखाएंगे? बेटे ये जादू का हाथ की सफाई है, आँखों का धोखा है। आप हमें जमुरा बना लो ना। बेटे तुम्हें जमुरा बनाएंगे तो स्कूल कौन जाएगा? अनवर को स्कूल थोड़ी जाता है। यही तो बदनसीबी है बेटे कि गरीब बाप के साथ पिस रहा है। तुम खुश नसीब हो, स्कूल जाते हो, तुम्हारे माँ बाप पढ़ाते हैं। चल बाबला, घर को देरी हो रही। चलो भैया। ले बेटा खा ले, ये साल रात के स्कूल में पढ़ ले, अगले साल मैं तुझे सरकारी स्कूल में डाल दूंगा बेटे। हाँ इसे साइन कर दीजिए। पेन? पेन तो नहीं मेरे पास। जरा पेन देना बाबू की माँ। इंक खत्म हो गई है दादी, अभी भर के देती हूँ। कूड़ है सब के सब, 10 आदमी है घर में, सब पढ़ते लिखते हैं और एक पेन तक नहीं। ये पेन, ये तुम्हारे हंगामे खत्म होंगे या नहीं? रिफिल खत्म हो गया डैडी। रिफिल खत्म नहीं हुआ, तुम्हें रिफिल की जरूरत है, समझे? डैडी ये लीजिए पेन। ये देखो सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा काम का। ये पार्कर का पेन तुमने कहां से लिया? मेरे दोस्त ने दिया डैडी। कौन से दोस्त ने? बाबला स्कूल में मेरे साथ पढ़ता है। क्यों दिया? प्रेजेंट दिया ना डैडी। झूठ बोलता है। इतना कीमती पेन वो तुझे प्रेजेंट में देगा? क्या हुआ? एक नया गुल खिलाए सराम के तो हमने, अब चोरी भी करने लगा। कौन कहता है? क्यों डैडी झूठ बोलते हैं? यहीं पास में तो रहता है, चल कर पूछ लो ना। दफ्तर से पेंसिल और पेपर तो खुद ला कर देते हैं और चोरी मैं करता हूँ। शट अप पप्पू, तमीज से बात करो। अभी चल मेरे साथ, मैं तेरे दोस्त से चल के पूछता हूँ कि वो कौन से ऐसे रईस का बेटा है जो तुझे पार्क का पेन प्रेजेंट करता है। चल मेरे साथ। आपका बेटा घर में है क्या? कौन? बाबला जी। ये पेन देखिए जरा, पप्पू कहता है ये उसने प्रेजेंट किया है। हाँ ये तो इसी का है, मैंने बबला को प्रेजेंट किया था। बबला जी। जी जी, जी। ये पेन तुम्हारा है बेटा? जी। तुमने दिया था पापा को? जी। पिताजी से पूछ के दिया था? ये उसके पिताजी नहीं, जीजा जी है। जीजा जी से पूछ के दिया था? नहीं। कोई बात नहीं, दे दिया उसने तो रहने दीजिए। जी नहीं, इतने महंगे पेन बच्चों को देकर आप क्यों खराब करते हैं? इसके बर्थडे पे लेके दिया था, मना भी किया था लेकर मत जाना, अंदर रख देना जब तक कि। अंदर रखने के लिए दिया था तो लिखेगा कैसे? शट अप, बहुत जबान चलती है तेरी, चल घर चल। ये दोस्त है तुम्हारे? बात करने की तमीज नहीं है जिन्हें। और तुम्हें कहा था ना इसे स्कूल लेकर मत जाना।
ये भी कोई जिंदगी है जिसमें दोस्त को एक पेन भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। दीदी है, टीचर से मिलने आई होगी। इवन की चाल चलती है, क्या माल है साले। बच्चे स्कूल में रहते हैं, 10 किस्म की शैतानियां सीखते हैं, 10 किस्म की शरारतें करते हैं, और आप हर दूसरे दिन चिट्ठी भेज देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता हम क्या करें। देखिए मिसेस गुप्ता, हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि लड़का बिगड़ रहा है तो आपको खबर कर दें, लड़का सुधर रहा है तो आपको खबर कर दें। ये लड़के स्कूल में इतना नहीं सीखते जितना कि बाहर सीखते हैं, और स्कूल सारा दिन तो इनके साथ रह नहीं सकता। हमारे लिए भी यही मुश्किल है, सारा वक्त हमारे लिए भी देखना मुश्किल हो जाता है। अब वो सुबह फैक्ट्री चले जाते हैं, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, अब आप ही बताइए। फिर भी ख्याल तो रखना जरूरी है, आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या स्कूल की नहीं है? है, माँ बाप की नहीं है, लेकिन मैं कम इन सर कम इन। ये देखिए सर, कितनी बुरी तरीके से काटा इसका मांस। तुम जाओ। ये तुमने किया? जस्ट अ मिनट। आप जानते हैं जो काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो बुरी गालियां देते हैं? इसने गाली दी? प्लीज मिसेस गुप्ता, यू डोंट इंटरफेयर। तुमने गाली दी थी? मैंने क्या कहा था कि तुमने क्या कहा था मैं सुनना नहीं चाहता। तुमने गाली दी थी? मैंने कहा था कि तेरी बहन हीरोइन की चलती है, ये गाली है। और ऊपर से क्या कहा था? क्या माल है? शट अप! बात करने की तमीज नहीं, ऐसी गंदी जुबान जिंदगी में कभी सुनी नहीं जो ये लड़के स्कूल में बोलते हैं। तुम्हारा मतलब क्या, ये सब स्कूल में सिखाते हैं? नहीं तो क्या मैं सिखाती हूँ? मुझ पर चिल्लाने से क्या फायदा? फॉर चिल्ड्रन इट मैटर्स हाउ देयर पेरेंट्स कैरी देमसेल्व्स, डू फॉलो व्हाट आई मीन? माँ बाप की सिर्फ चाल ही नहीं, चलन का भी असर पड़ता है बच्चों पे, समझी? बस मैं इतना जानती हूँ, जिस दिन वो स्कूल से निकाला गया मैं उसे घर से निकाल दूंगी। आंखें दिखाते हो? मुंह खोलो और खोलो, जबान निकालो, आ करो। बड़ी लंबी जबान है तुम्हारी है। कैसा है? कुछ नहीं, टेंशन की वजह से बीमार हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, इतने से बच्चे को क्या टेंशन हो सकता है? बच्चों के टेंशन बहुत सख्त होते हैं, वेरी इंटेंसिव, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। अभी से ये हाल है, बड़ा होकर के बाहर झुकेगा। मिसेस गुप्ता, हम बच्चों की तालीम में बहुत भूल करते हैं, टीचर्स भी
माँ बाप भी बच्चों को जिंदगी से डरा के रखते हैं कि पढ़ो नहीं ठेला खींचोगे बाहर झोंकोगे बड़े होकर, जैसा कि आपने अभी कहा। जिंदगी क्या हुआ है, यह राक्षस है जिसे बड़ा होकर मुकाबला करना होगा। हम ये क्यों नहीं कहते कि जिंदगी जूनियर कितना खूबसूरत है, उसे पाने के लिए अपने आप को काबिल बनाओ। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, पढ़ लिख कर तैयार हो जाओ, बड़ा होकर बड़ा मजा आएगा। बड़ी नेगेटिव अप्रोच है हमारी। यू आर बोर्ड, ठीक है चलता हूं, नहीं तो आपको भी टेंशन हो जाएगा। सुनो, फैक्ट्री जाते हैं, बाबला के स्कूल चले जाना, कह देना बीमार है। मुझे फुर्सत नहीं है, तुम फोन कर देना। हाँ मेरा भाई है, मुझे देखना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, कुसुम देख लेगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि आज भी हम दोनों से वही ज्यादा देखते सुनती है। तुमने तो नहीं देखा। अब क्या फैक्ट्री छोड़कर घर संसार देखना पड़ेगा? माँ से लाते वक्त तुमने ज्यादा शौक दिखाया था। हाँ उस वक्त मैंने सोचा था कि दिन भर तुम अकेले रहोगे घर में, अगर छोटा भाई पास रहेगा तो दिल तुम्हारा बहलता रहेगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तुम किस कदर घर में अकेली रहती हो। तुम कहने क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि जिस घर में भाई को लाई हो तुम खुद उस घर के नहीं हो। घर की नहीं मतलब? मतलब मैं नहीं जानता। मैं जानती हूँ, तुम मेरे काम करने से जलते हो। जो कमाती हो अगर मैं ही लाती हूँ, इसमें जलने की क्या बात है? तुम मुझ पर शक करते हो? जितना तुम घर में रहती हो उतना मैं तुम्हें जानता हूँ, बाहर जाकर क्या करती हो ये सब जानने की मुझे फुर्सत नहीं। और देखो ये घर ना तुम्हारी कमाई से चलता था ना अब चलेगा, तुम काम करके किसकी जरूरत पूरी कर रही हो ये तुम बेहतर जानती हो, समझी? आजा बेटे, ले। दो घंटे बाद ही मिक्सर दे देना और साथ में ही गोली भी। खाना? गोली देना? नहीं बीबी जी, खाना खिचड़ी बना देना। अच्छा, आज कहीं बाहर नहीं जाना। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बाबला को बुखार है? बुखार है। अच्छा देखो, जाते हो एप्लीकेशन ले जाना, मैं लिख दूंगी। बाबला स्कूल नहीं चलेगा? नहीं, मुझे तो बुखार हो गया है। तो मैं स्कूल में अकेला क्या करूंगा? और मैं घर में अकेला क्या करूंगा? इससे तो अच्छा था कि स्कूल ही चला जाता। सचमुच की छुट्टी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी झूठ मूठ की। हाँ गुटली मारने में तो बहुत मजा आता है। ओ ले बेटे दवाई पी ले। इसीलिए तो सचमुच का बुखार भी अच्छा नहीं लगता। पीले पीले, ऊपर से शक्कर दूंगी, कड़वी है। पी ले राजे। तू ना हम का धनो पास भजाई दे रामा, हम नहीं कर बे नौकरी, हम नहीं कर बे नौकरी, हम का धनो पास भजाई दे रामा, हम नहीं कर बे नौकरी, हम न दे। अरे कौन है भाई? कोयला है उस्ताद, कोयला। मुझे तो ठन्नी दिख रही है। दो घोट मार लो उस्ताद, पूरा रुपया नजर आ जाएगा। अल्लाह कसम मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई है? अरे कौन है वहाँ? Thank you.
इस ससुरा नजर नहीं आया। दिल कहता कोई है जरूर, साला कोई कोयला चोर होगा और कहीं लटक रहा है, जरूर मरेगा साला। कहीं धुनकी में तो नहीं बोल रहा उस्ताद? अरे काय को बदनाम करता है यार। अबे साले फांसी लगवाएगा। रचित कोई मिला क्या? अरे हाँ यहाँ है, कल ऊपर आ, मरेगा। अबे यार मेरा मुंह क्या देखता है, मेरे बाप ऊपर आ। अबे तेरी मौत आई थी क्या है? चल मैंने कहा था कोई छुपा है, चल अंदर चल चल। ए रघु संभाली से, किस्मत वाला है साला बच गया। कंबल उड़ा कंबल, बेचारा अनाथ लगता है। अरे बिटवा पर तू है कौन? बेचारा अनाथ हूँ। कहाँ जात हो? माँ के पास। वाह बिटवा, अपने आप को अनाथ भी कहा था और जात हो माँ के पास। ए रघु जरा पानी दे इसको, थोड़ा होश में बात करेगा। अच्छा उस्ताद। पी ले बिटवा पी ले। कुछ खाएगा? भूख तो लगी है लेकिन आप लोगों ने खाया। अरे बिटवा तू हमार चिंता मत कर, रघु मेरे डिब्बे में रोटी बची होगी, खिला दे से। अच्छा उस्ताद। Thank you.
रघो। हाँ उस्ताद। वो अठन्नी तो चली गई। खोटी होगी उस्ताद, इसीलिए चली गई। जाने दे साले को, अपन भी चलते। चलो उस्ताद। यहाँ क्यों सो रहा है? चलो उठो। साले नींद में भी भीख मांगते हैं। चल। चल भाग। चल। अरे। तो समझा मोती आ गया, कभी ठंड लगती है तो आ जाता है। चल उठ। मेरी गाड़ी कहाँ गई? कौन सी गाड़ी? मैं तो गाड़ी में था ना। अरे कौन सी गाड़ी छूट गई तेरी? नहीं। गाड़ी छूटने का गम मत करियो बालक, स्टेशन ना छूटने पाए। हा? चढ़े कहाँ से ये तो याद नहीं, पर उतरने का समय मत भूलियो। तुम क्या अंधे हो? तू भी तो अंधा है। मैं तो देख सकता हूँ। देख के भी जो पूछता है वो अंधा नहीं तो और क्या है। चल उठ, मुंह हाथ धो ले, धंधे का समय हो गया। धंधा? कौन सा धंधा? भीख मांगने नहीं आएगा? मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या करेगा? कोई भी काम करूंगा। बड़े पढ़े लिखों की तरह बात करता है रे तू। शुरू शुरू में मुझे भी यही लगता था, फिर देखा लोग मजदूर को इतना नहीं देते जितना फकीर को देते हैं। धर्म कितने भी बुरे कर लें, लेकिन धर्म बहुत बचा के रखते हैं ये लोग। चल उठ, धूप चढ़ती जा रही है। तुमको कैसे मालूम? धूप की सुगंध आ रही है ना। सुगंध? हाँ, धूप की सुगंध थोड़ी होती है। होती है रे, होती है। जब छांव के छाले पड़ेंगे तब धूप का सेक भी पता चलेगा।
चलो उठ चल। धूप में से की छाव के चोटे छाव में देखे धूप के छाले मितवारे भूल गए हम राहें। नंदू अरे दो चाय देना। आज दो कैसे भेजू? अरे ये है ना मेरे साथ। बसंत दो चाय देना। ये लो रस भी साथ में। हाँ। ले क्या हो रहे किसका स्टेशन आ गया? अरे बच गया बीकू अभी मर जाता। टांग वांग कट जाती तो भीख मांगने से भी जाता। अरे क्या जाता पूंजी हाथ लग जाती। पूंजी कैसे? कटाई के पैसे कार वाला दे देता और कटी टांग से रोजगार बढ़ जाता। और मर जाता तो? वैसे भी कौन सा जी रहा है। हमारे जीने को भी जीना कहते हो नंदलाल? कहते हैं दुनिया देखने का मोह है छूटता नहीं। ना देखने का भी कौन सा छूटता है। कुछ और चाहिए रे? नहीं। नाम क्या है तेरा? बाबला। कहाँ रहता है? कहीं नहीं। घर घाट कोई नहीं? नहीं। जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु जन्म जन्म बन जा रहा कहीं कोई घर ना घाट ना अंग नारा। जन्म जन्म बन जा रहा। बड़ी जल्दी बन जा रहा बन गया रे तू। क्या उम्र है तेरी? 12 साल। मैं भी 12 साल का था जब घर से निकला था। क्यों? माँ का जुल्म नहीं सह सका। माँ कोई जुल्म थोड़े ही करती है। करती है रे सौतेली हो तो बहुत करती है। इतने साल हुए उसे देखे अब तो जिंदा भी नहीं होगी लेकिन अब भी नींद आती है तो चाबुक पड़ते हैं उसके। सुबह उठो तो लगता है पीठ लाल हो गई है। राजू ए बुजुर्ग पहले पिलाएगा? हाँ आजा आजा टिंगू आजा। निंदू अरे इसे भी चाय पिला। अच्छी बात है टिंगो जल्दी से आ जाओ उधर से। गुरु आ गया? हाँ। जा चाय पी ले जा। तू टिंगो के पास ठहर। हाँ मैं जरा मंदिर होके आता हूँ। अच्छा ले उधर राज करते। नंदू जी ये पैसे ले बाबा तेरे। तेरा नाम क्या है बच्चू? बबला। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या? टिंगू। मिला हाथ। रोज नहीं हफ्ते में एक बार। संडे को? कल यही टाइम देखेगा। नोचे बार। अच्छा तूने शोले देखा? देखा। धर्म भी देखा? अच्छा और कोई गाना आता है? नहीं नहीं आता है। शोले का देख तेरे के सुनाता हूँ। ओ काल लिया तेरा काल है कितने अनलिमिटेड वो तुम तीनों वो भी तीनों भज के हरम जा दे खा ले गोली हमें चक्का ने चाय नाम रखा पचास हजार की गोली खा ली। क्या बाबा बुला रहे उनकी ट्रेन का टाइम हो गया होगा। चलो चल चलो
चले ना साया, धर्म नहीं कर्म नहीं जन्म गवाया। दिन भी अंधेरा मेरे लिए, रात भी लाई ना सवेरा मेरे लिए, दिन भी अंधेरा मेरे लिए, रात भी लाई ना सवेरा, जो दे उजाला दे सवेरा, जो चाय का पिला दे, एक चाय देना। और सुन, एक गिलास पानी पिला दे पहले मुझे। अरे खिमा, कौन भैजू? अरे कहाँ था इतने दिन? तिल्ली को छोड़ने के लिए उसकी माँ के पास गया था। अच्छा, तो फिर बाप बनने के दिन आ गए। अरे चार तो हो गए, अब बस कब करेगा? वो क्या इसके बच्चे भी अंधे हैं? नहीं, देख सकते हैं, इसी शौक में तो ज्यादा पैदा कर रहा है। क्या इसकी बीवी भी देख सकती है? हाँ। तो फिर उसने अंधे से शादी क्यों की? बहुत सवाल पूछता है। कीमा सुन रहा है? नहीं। कीमा बहुत पैसे वाला भिखारी है। पैसे वाला है? हाँ। तो फिर भिखारी क्यों? ये तो इन लोगों की बिरादरी में आकर ही मालूम पड़ता है। बहुत बड़ा समाज है इनका। कुछ लोग तो खानदानी भिखारी है, कई पुरखों से इनका यही पेशा है। कोई नया नया भिखारी बना हो तो उस खानदान से रिश्ता नहीं करते। हाँ,
कुछ खानदान तो ऐसे हैं जिसमें औरतों से भीख नहीं मंगवाते हाँ। और भीख मांगने के तरीके सिखाने वाले मास्टर भी हैं इन लोगों में, फीस लेते हैं और सिखाते हैं। लो, यहाँ पर भी मास्टर आ गए। अरे इन लोगों की शादियां तो राजा महाराजाओं की तरह होती हैं, बहुत लेन देन होता है, कानूनी लिखत पढ़त होती है, और दहेज में बड़ी बड़ी गलियां और मोहल्ले बांटे जाते हैं हाँ। अरे बैजू। हाँ की माँ। अरे खाना आना हो गया? हाँ हाँ चलो ले, ए बिली बिले। हाँ हाँ पिलाओ, चल बाबला। अरे कौन है तेरे साथ? एक बालक है। सुनैनी है कि सूरदास है? सुनैनी है रे। चल चल आ जा, चल बाबला। मेरी सास तो मुझे बहुत रोक रही थी, लेकिन मैं खुद ही चला आया। अब तुम जानो धंधे का टेम है और फिर एक मुसीबत और आने वाली है। ये जिंदगी भर लगा रहेगा। चलो चलो गाड़ी चल पड़ी। बाबला बाबला, अरे वाह क्या? कहां से मिली किताब? वो जीजाजी की किताबों में पढ़ी थी। ऐसी किताबें पढ़ते हो? वो हमारे हिंदी के टीचर कह रहे थे कि शरद चंद्र बहुत महान राइटर थे। तेरा सर थे? दो दिन में इम्तिहान शुरू होने वाले और ही किताबें पढ़ रहे हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा इस लड़के का? अरे बाबा ठीक ही होगा, शरद चंद्र जैसे महान राइटर को पढ़कर कोई खराब नहीं होता, उससे खराब किताबें तुम पढ़ती हो। मैं मॉडर्न राइटर्स को पढ़ती हूँ। वो ज्यादा नंगा लिखते हैं। हाँ सच लिखते हैं तो नंगा हो गया। अच्छा राइटर्स लोग सच भी लिखते हैं? देखो मैं राइटर्स की नहीं बाबला की बात कर रही हूँ, बिगड़ गया तो? क्या बिगड़ जाएगा? जानते हो कल रात को वो 10 बजे घर आया, कह रहा था मैं पप्पू के यहाँ खेल रहा था। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कुसुम ने बताया। और तुम कितने बजे वापस आई? मैं अपनी नई बाबला की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं समझा पाता उसे क्या समझाऊंगा? कितने बार कह चुका हूँ कि शाम के वक्त में घर आया करो, लेकिन तुम्हारे पल्ले बात नहीं पड़ती। तुम कौन सा वक्त पे घर आते हो? मैं तो फैक्ट्री से और कहीं नहीं जाता, घर ही आता हूँ। बस फैक्ट्री तुम्हारी जिंदगी बन गई है। घर में भी कौन सी जिंदगी है जिसके लिए घर वापस आऊँ? चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान, अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। बत्ती कान में झुमका,
अरे बोला ना अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती का छुआ छाप आग पे बैठा पानी ताप अगरबत्ती का छुआ छाप आग पे बैठा पानी ताप ताप चढ़े तो कंबल तान वीआईपी अंडरवेयर बनिया वीआईपी अंडरवेयर बनिया पटका तुम भीम पटका तुम भीम पटका तुम भीम पटका तुम आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला मच्छर चिट्ठी में से निकला मच्छर आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला मच्छर चिट्ठी में से निकला मच्छर मच्छर की दो लंबी मूछें मूछ पे बांधे दो दो पत्थर मच्छर की दो लंबी मूछें मूछ पे बांधे दो दो पत्थर पत्थर पे एक आम का झाड़ मूछ पे लेकर चले पहाड़ पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी जोगी की एक जोगन होगी गठरी में लागा चोर मुसाफिर एक चांद की ओर पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी जोगी की एक जोगन होगी जोगन कूटे कच्चा धान पीआईपी पीआईपी अंडरवेयर बनिया पीआईपी अंडरवेयर बनिया बिम पका पका दूं बिम पका पका दूं बिम पका पका दूं बिम पका पका दूं आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला चीता चिट्ठी में से निकला चीता आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला चीता चिट्ठी में से निकला चीता थोड़ा काला थोड़ा पीला चीता निकला है शर्मीला थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला चीता निकला है शर्मीला अरे वाह चाल देखो घूंघट डाल के चलता है मांग में सिंदूर भरता है माथे रोज लगाए बिंदी इंग्लिश बोले मतलब हिंदी इस पगर इस है बट पर व्हाट मतलब क्या माथे रोज लगाए बिंदी इंग्लिश बोले मतलब हिंदी हिंदी में अलजेब्रा छान बी आई पी अंडरवेयर बनियान बी आई पी सॉरी सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिस हो गया था ये क्या है कविता तो तुम कविता पढ़ रहे थे क्या होगा बस जल्दी से बड़ा होना पड़ेगा उसके सिवा गुजारा नहीं हो सकता दीदी तो कितनी बार कह चुकी है कहीं सचमुच घर से निकाल दिया तो खामखा लोग कहते हैं बचपन के दिन सुनहरे होते हैं क्या सुनहरे होते हैं ये तो बड़ा अंधेरे दिन है हाथ गाड़ी कितने की आएगी वो चलाने के लिए भी बड़ा होना पड़ेगा अब क्या करें चिट्ठी तो पहुंची जाएगी अरे बाबला एक काम करें चिट्ठी रास्ते में ही मार ले घर तक पहुंचने ही ना दे वो कैसे पोस्टमैन से ले ले उसे तो मैं पहचानता हूँ पहचानता तो मैं भी हूँ यार लेकिन उसके लिए भी तो स्कूल से गुटली मारनी पड़ेगी वो तो दोपहर को आता है चल अभी चल के पकड़ते हैं पोस्ट ऑफिस में अब जाने से कुछ काम नहीं बनेगा ऐसा करते हैं कल सुबह चलते हैं स्कूल जाने से पहले ठीक है चलो कहाँ जा रहे हो तुम लोग वो इधर हमारा पोस्टमैन है कहाँ रहते हो सेंट लियो रोड अच्छा ठीक है
निखिल गुप्ता की कोई चिट्ठी है? तुम कौन हो? मैं उनका बेटा हूँ। तुम्हें माँ ने भेजा है या बाप ने? अरे दोनों में से किसी एक का कुछ चल रहा होगा। अरे चिट्ठी आ दो ना। कोई चिट्ठी बिट्टी नहीं है लौंडे, आएगी तो घर पहुँचा दूंगा। माँ से कहना घर पे ही रहे। क्या कर रहे हैं बाबला? वो कॉकरोच घुस गए, लेटर खा जाएगा तो? नहीं खाता, उसका व्रत है। कॉकरोच का? हाँ, मंगल का व्रत रखता है वो, मुझे मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे मैं जानती हूँ, मेरा वाकिफ है वो। रोजाना किचन में आता है, देखा नहीं, रोस्ट मटन शौक से खाता है। अच्छा चलो दूध पी लो। लेकिन कॉकरोच? बेटे मैंने कहा ना कि उसका व्रत है। लेकिन उसे आराम तो कर लेने दे बाबा। नहीं चिट्ठी खा जाएगा। नहीं खाता, उतर। लेकिन शाबाश, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। चलो दूध पी लो, चलो 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 चलो। वो लेटर बॉक्स की चाबी कहाँ है? जीजा जी के पास रहती है। नहीं नहीं, वो दूसरी चाबी। दूसरी नहीं है। लेकिन दूसरी तो रहनी चाहिए ना, कभी साफ सफाई करनी हो तो? उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो दूध पी लो, पियो। सुमन कहाँ है? अभी तक आई नहीं। अभी तक आई नहीं? 10 बज के और अभी? ये क्या घर है, ये कंजर खाना है? ये क्या है, ये क्या कविता लिखी है? नमक हराम, भाई बहन ने मिलकर जीना हराम कर दिया मेरा। स्टूपिड। करूं जब गुस्सा आ जाता है तो, और ये सब हरकतें क्यों करता तू स्कूल में? हाँ बोल, चल दिखा। जीजा जी, जीजा जी। मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्यों? जी नहीं लगता। पढ़ना नहीं है बेटा? नहीं। I'm sorry. I'm very sorry. मैंने हाथ उठा लिया। और तेरे स्कूल में भी ऐसे ही है, क्या जरूरत है रोज रोज चिट्ठी भेजने की? जीजा जी, आपके फैक्ट्री में कोई मेरे लिए काम है, मैं बहुत बहुत दिल लगाकर काम करूंगा। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। पढ़ लिख कर तू बड़ा हो जा, उसके बाद तू जहाँ कहेगा वहीं मैं लगा दूंगा, चाहे तो फैक्ट्री तेरे नाम कर दूंगा। हाँ ठीक है ना? बोल। खाना खाया तो जा, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। महाराज जीजा जी ने फिर माफी भी तो मांग रहे थे, माफ कर दो। तुम जीजा जी को डरा रहे थे ना, स्कूल नहीं जाओगे,
नहीं, सच कह रहा था। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं कहते। अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े होकर पूरे बुरे काम करने पड़ते हैं, जैसे चंदन करता है। कौन चंदन? मेरा छोटा भाई है, दारू की भट्टी में काम करता है। 10 दिन जेल में रहता है तो 10 दिन बाहर। तू पढ़ाई करेगा ना बेटे? पढ़ाई मत छोड़ना, तू पढ़ेगा ना? चल सो जा बेटे, तेरे कपड़े बदल देती हूँ। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, वो क्या हो गया, थोड़ी देर हो गई, हम नाइट शो जा रहे थे इसलिए मैं अपने साथ ले गई थी। It's all right. अच्छा मैं चलूं? Good night. You want me to reach you home? No, no, it's all right. I'll go. Thank you. Good night. Good night. Bye bye. ये अकेली जाएगी टैक्सी में? डरने की क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, घर में कोई नहीं है इसके। 2000 रुपए कमाती है और अकेली रहती है। 2000 रुपया कमाती है इसीलिए अकेली रहती है? मतलब कम कमाते तो किसी की जरूरत होती? किसकी? शोहर की। उसका एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड और शोहर में कोई फर्क नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्या फर्क? वही जो बीवी और गर्लफ्रेंड में होता है। शादी के बाद भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं क्या? क्यों नहीं, शोहर के बाद हर लड़का भाई नहीं होता, इसीलिए उसे दोस्त कहते हैं। और बीवी के बाद हर लड़की बहन नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? दही चखने से क्या होता है? इम्तिहान देने दोनों जा रहे हो, दही और शक्कर शुभ होता है, पेपर बहुत अच्छा होगा। जाओ जाओ जाओ। चल चल। बाबला जी, ये लो 3 रुपए, टैक्सी में जाना। हाँ ओके चल। बीबी जी पीछे से आवाज नहीं देते, इम्तिहान देने जा रहा है ना। शट अप, अपना काम कर। अकबर वाला क्वेश्चन तूने याद किया? मैंने तो याद कर लिया। पप्पू ऐसा करते हैं, 2 रुपए तक रिक्शा में जाएंगे, बाकी चल के जाएंगे, 1 रुपया बच जाएगा। चल मीटर देखते रहना, कहीं ज्यादा ना हो जाए। एक घंटा और बाकी है, पेपर जल्दी करो, और जरूरी नहीं कि सवालात नंबर वाइज किए जाएं। जिन सवालों के जवाब तुम्हें आते हैं वो पहले लिखो,
और साइड पे छोड़े हुए हाशिए में उनका नंबर दे दो। साइलेंस प्लीज। साइलेंस। चतुर्मुर्ख चोंच बंद कर, इतना मुंह खोल के बात करता है, कोई मक्खी घुस गई तो। स्टैंड अप। क्यों सर? स्टैंड अप आई से। लेकिन मैंने क्या किया सर? सुना नहीं? स्टैंड अप। आई सर, दिखता नहीं यहाँ पर लगा है। जेबें दिखाओ। सिट डाउन। आपने मेरी तलाशी क्यों ली? मुझे तुम पे शक था इसलिए। बेवजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये नसीहत है आपकी? सिट डाउन। ये कौन बोला? बिल्ली। साइलेंस। ये क्लासरूम है, कोई स्कूल का मैदान नहीं। ये बेवकूफ समझते ही नहीं। साइलेंस साइलेंस। स्टैंड अप। ये क्या है सर? इसमें से एक सवाल भी नहीं आया, कसम काली माँ की। पेपर उठाओ अपना, चलो बाहर निकल जाओ। यू क्या? ये विमान मुझ पर फेंक रहा था सर। किसका है? आपने तो मेरी तलाशी ली, मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे को तो इसी ने फेंका था, मुझे क्या पता। तू निकल बाहर, मैं बताता हूँ हरामी। शट अप। यू सिट डाउन। और तुम दोनों घर जाने से पहले मुझे टीचर्स रूम में मिल के जाना। नाउ यू फिनिश योर पेपर्स। ये चिट्ठी ले जाकर देना अपने माँ बाप को और इसका जवाब लिखवा कर लाना। अगर नहीं लाए तो इम्तिहान में घुसने नहीं दूंगा। और अगर माँ बाप ने जवाब नहीं दिया तो मत आना स्कूल में। एंड गेट आउट। आई से गेट आउट। बेशर्म रेस्कल्स।
बाबला, कहाँ से लड़ाई करके आ रहे हो? मुझे कोई नहीं अच्छा लगता इस दुनिया में, जाओ तुम भी जाओ। नहीं बेटे नहीं, किससे लड़ाई हुई तुम्हारी? कौन था वो, बोलता क्यों नहीं? मुझे कोई नहीं अच्छा लगता, जाओ, कोई नहीं अच्छा लगता। अरे बोलता क्यों नहीं बेटे? ये चिट्ठी ले जाकर देना अपने माँ बाप को और जवाब लिखवा कर लाना, अगर नहीं लाए तो इम्तिहान में घुसने नहीं दूंगा। कुसुम जी, बाबूजी। सुमन नहीं आया? मैं अभी नहीं आई। सुनो, यह वक्त है घर आने का? अपने घर आई हूं, किसी भी वक्त आऊं। यह घर है या होटल बना रखा तुमने? जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से। चलो जाओ, बाहर जाओ। ये भी कोई जिंदगी है जिसमें दोस्त को एक पेन भी प्रेजेंट नहीं कर सकते? सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता सिवाय माँ के। माँ के साथ बैठ के एक दिन मैं अपनी किताब लिखूंगा, लेकिन उसके लिए फिर स्कूल जाना पड़ेगा ना। दीदी से जीजाजी आजकल ज्यादा अच्छे लगते हैं। जीजाजी अकेले हो तो कितना प्यार करते हैं, दोनों हो तो डर सा लगा रहता है। बाबूजी, पप्पू के यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं दीदी के यहाँ तो नहीं चला गया? मैं पता करता हूँ। Thank you.
रात में ठंड से मर गई होगी। देखने से लगता है कल रात से मरी पड़ी है। म्युनिसिपैलिटी में खबर करनी चाहिए वरना कौन हटाएगा ये लाश। कैसे भाग जाएगा घर से, जरूर कुछ कहा होगा, मारा होगा, पीटा होगा। माँ, हमने कभी इस पर हाथ तक नहीं उठाया। हाँ तो ऐसे ही भाग गया घर से बिना कारण। ऐसा खराब तो कभी नहीं था। भला है बुरा है जैसा है मेरा बेटा मुझे लौटा दे, मैं कहाँ शहर जाके ढूंढूं उसे। माँ वदी होती बच्चा होता अपना तो जानती कि कलेजा कैसे फटता है। निखिल तू ही अमानत ले गया था मेरी, मेरी अमानत मुझे वापस कर दे। मुझे नहीं पढ़ा ना बेटे को, जैसे इसे बड़ा किया था उसे भी बड़ा कर लूंगी। उनका बचा कुचा बहुत है अभी मेरे पास। पागलू बाबला। माँ बाबलू बाबलू मेरा बेटा। जीता जी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा जीता जी, मुझे पढ़ना है, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सच? ये सच कह रहा है तू? तो जा तैयार हो जा, मैं माँ से कह दूंगा। चलेना साया धर्म नहीं कर्म नहीं जन्म गवाया, मेरे साथ चलेना साया धर्म नहीं कर्म नहीं जन्म गवाया।
टिकट प्लीज।